राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवाओं से नशे से दूर रहने और योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने सोलन जिले में अश्विनी खट पर माधव सृष्टि परिसर में आज 6 करोड़ रुपए से बनने वाले योग आश्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गई है। राज्यपाल ने कहा कि योग के माध्यम से ही युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और योग से ही संपूर्ण शारीरिक व बौद्धिक विकास संभव है। युवाओं के लिए हम सभी चिंतित होते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, युवा अपने क्या कर रहे हैं वगैरह, लेकिन अगर हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं तो देना चाहिए। आज की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में नशे के बारे में जो एक विषय चल रहा है कि यहाँ अपने आने वाली पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके पर चिंतन होने की आवश्यकता है। और वो चिंतन उन युवाओं ने नहीं, हम जैसे लोगों ने करने की जरूरत है और सबको साथ में लेकर युवाओं को इस चपेट में आए हुए युवाओं को बाहर निकलने की आवश्यकता है। मेरा इतना ही अनुरोध है अपने सभी युवा पीढ़ियों के, अपने मेरे मित्रों से, कि उन्होंने इस नशे के पदार्थों से, अन्य कुछ ऐसी गलत विषयों के दूर रहकर समाज को स्वस्थ बनाने का वो योगदान करें।